हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वु गैंगजी सीरीज का 46 पार्ट। ये सीजन 4 का लास्ट पार्ट है, लेकिन इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि वॉरलॉर्ड की तलवार का टुकड़ा शिंगटियांग के अंदर छुपा हुआ है और उसे पाने के लिए डार्क वंस को उसका सर ढूंढना होगा, जो देवताओं ने किसी साइलेंट हिल पर छुपा रखा है। उधर जियो और याओजी का सामना कुछ क्रिस्टल गोट से होता है, जो आपस में मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं। याओजी देखता है कि इस नए देवता की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है और उसके शरीर पर वही क्रिस्टल्स हैं जो उन्होंने टियान के पैलेस में देखे थे। तभी वो देवता अचानक से जियो पर हमला कर देता है और उसकी ताकत जियो को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। याओजी जियो को कांपते हुए देखता है और समझ जाता है कि ये शोंगजी की दी हुई सोल पावर के कारण है, जिसे शायद जियो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो देवता भी इसका फायदा उठाकर जियो पर अटैक करने लगता है और अचानक जियो की एनर्जी से बनी तलवार गायब हो जाती है। याओजी उसे मुसीबत में देखकर अपनी डिवाइन पावर यूज करता है और फिर एक ड्रैगन से उस देवता को जकड़ लेता है। जियो भी हिम्मत करके पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाता है और उधर वो देवता खुद को ड्रैगन से आजाद करा लेता है। फिर वो मेस लेकर याओजी को मारने आता है, लेकिन जियो एंड टाइम पर लकड़ी के टुकड़े को उसके गले के आर पार कर देता है, जिससे देवता की बॉडी क्रिस्टल में बदल जाती है। याओजी को हैरानी होती है कि आखिर जियो इतनी जल्दी सोल वेपन को कैसे मास्टर कर सकता है। तब जियो बताता है कि ये टेक्निक बिल्कुल की एनर्जी यूज करने जैसी है। आगे वो लोग उस देवता के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और पता चलता है कि ये टियान के जैसे ड्रैगन रेस का देवता है, जिनकी ताकत प्रेजेंट टाइम के देवताओं से कहीं ज्यादा है। उन्हें याद आता है कि इनका पहला अटैक हेवन से निकलने के तुरंत बाद हुआ था और ये वही टाइम था जब शैनियन क्रिस्टल की पावर को एक्टिवेट कर रहा था। वो समझ जाते हैं कि ये सब कमाल उन ब्लड क्रिस्टल्स का है, जिसे टियान अपनी वाइफ को जिंदा करना चाहता था, और अब शैनियन इनके थ्रू कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। आगे हम वु गैंग को देखते हैं, जो चियु के साथ अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है और अभी भी अपनी गन को सोल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। चियु वु गैंग से अपना स्टेमिना बढ़ाने को बोलता है, लेकिन वु गैंग सोचता है कि चियु तो हर रात सोल खाकर खुद को रिकवर कर लेता है और उसे भी खुद को सेफ रखने का कोई तरीका सोचना चाहिए। फिर वो चियु की थोड़ी झूठी तारीफ करता है और पूछता है कि आखिर तुम सोल वेपन को बिना प्रैक्टिस किए कैसे यूज कर लेते हो। वो उससे ये सीक्रेट जानने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन चियु उसे ये कहकर मना कर देता है कि अभी तुम मेरे जितने काबिल नहीं हुए हो। तब वु गैंग उसे नथिंगनेस के बारे में वॉर्न करता है कि जल्दी ही उसका कहर तुम्हारे क्लैन पर भी पड़ने वाला है, और कहता है कि मेरी सोल तो वैसे भी तुम्हारी होने वाली है, तो ये बताने से तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। तब चियु उसे बताता है कि ऐसा करने से तुम्हारा शरीर फट भी सकता है और डील से पहले ही तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी। फिर कुछ सोचकर वो वु गैंग में अपनी सोल का एक पार्ट इम्प्रिंट करता है और कहता है कि ये तुम्हारी इनर सोल पावर को तेजी से बढ़ाने वाली है, लेकिन इसमें तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। वु गैंग भी दर्द के मारे तड़पने लगता है और चियु तुरंत उसे इस रेज को अपने वेपन में ट्रांसफर करने को बोलता है, वरना प्रेशर उसकी बॉडी को ब्लास्ट कर देगा। वु गैंग भी हिम्मत करके ऐसा ही करता है, लेकिन देखता है कि उसके अटैक अभी भी बहुत कमजोर है। चियु अपने हमलों से उसके गुस्से को और बढ़ावा देता है और ऐसा लगता है जैसे वु गैंग खुद से कंट्रोल खो रहा है। चियु भी ये देखकर उस पर एक फाइनल अटैक करता है और एक तेज रोशनी उस जगह को दहला देती है। पता चलता है कि वु गैंग ने फाइनली सोल वेपन की टेक्निक को सीख लिया है और वो इससे अपनी गन को एक कैनन में बदल सकता है। चियु भी उसकी स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है कि अब मैं इसका एक नमूना देखना चाहता हूँ। तब वु गैंग अपनी कैनन से उस पर अटैक करता है, जिसका चियु के पास कोई जवाब नहीं होता और वो समझ जाता है कि वु गैंग उसके अंदर छुपे फ्रेगमेंट को पाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही एक एक करके वु गैंग उस पर कई अटैक करता है और फाइनली वो फ्रेगमेंट चियु के शरीर से बाहर निकल आता है। चियु उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वु गैंग उसे उसके हाथों से छीन लेता है। आगे हम जियो और याओजी को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में एक जलता हुआ गांव नजर आता है। उनके बहुत ढूंढने पर भी उन्हें यहाँ कोई नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि ये जरूर शैनियन का ही काम है। तभी जियो एक अंडरग्राउंड बेसमेंट को चेक करता है, जहाँ उसे वही लड़की नजर आती है जो जैंग के माया जाल में उसे मिली थी, और याओजी भी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो लड़की जियो को बताती है कि ये सब एक मॉन्स्टर का काम है और उसी की वजह से कबीले वालों ने इस जगह को खाली कर दिया। तब याओजी उसे क्रिस्टल गोट की तस्वीर दिखाता है और वो लड़की पहचान जाती है कि ये वही मॉन्स्टर है। जियो उसे बताता है कि हमने इस मॉन्स्टर को मार डाला है और अब हम कुछ दिन यहीं बिताने वाले हैं।
ये सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है, लेकिन जाओजी को लगता है कि शेनयन किसी भी वक्त यहाँ दोबारा अटैक कर सकता है। आगे का सीन हेवन का है, जहाँ एक देवता शेनयन को बताता है कि उनका क्रिस्टल गोड वाला प्लान फेल हो चुका है, लेकिन शेनयन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे बताता है कि ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो उनका प्लान शुरू हुआ है। आगे हम कीवू, सिवांग और हैनली को देखते हैं, जो अभी भी उस मास्क वाले शेडो क्लैन को ढूंढ रहे हैं। तभी उन्हें नीचे एक जगह आग जली हुई दिखती है और वो वहाँ उसकी छानबीन करने जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जगह चीउ की बताई पहेली की जैसी है, जहाँ सोए हुए शैतानों का कब्रिस्तान बना हुआ है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें वो आग नजर आती है, जिसके पास कुछ अजीब से साये एक रिचुअल कर रहे हैं। तभी उन सायों का ध्यान इन जनरल्स की ओर जाता है और कीवू को लगता है कि शायद यही वो शेडो क्लैन के लोग हैं जिन्हें शिंगट्यान हजारों सालों से कत्लेआम कर रहा था। तभी एक साया सिवांग के पास आता है और ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से जानता है। वो सिवांग के मास्क को किसी तरह का श्राप बताता है, जिसे देने वाला शेडो क्लैन ही था, और उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग यहाँ क्या करने आए हैं। तब सिवांग उनसे शिंगट्यान के सर के बारे में पूछता है और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं, लेकिन उन्हें उस सर के बारे में कुछ नहीं बताते। हैनली उन पर अटैक करने की सोचता है, लेकिन सिवांग उसे रोक लेता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास बताने का आखिरी मौका है। शेडो क्लैन डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिवांग और हैनली किसी तरह उन्हें जकड़ लेते हैं। सिवांग अपनी चेन से एक साई को मार डालता है और वो देखते हैं कि शिंगट्यान की तरह इनके सर भी कटे हुए हैं। वो लोग ये बात तुरंत वो गैंग को बताने को कहते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो उन्हें ढूंढता हुआ यहीं आ पहुंचा है। आगे बढ़ते हुए उन्हें किसी डिवाइन पावर का एहसास होता है और वो गैंग देखता है कि वहाँ एक पत्थर पर कुछ साइन बने हुए हैं। कीवू बताती है कि ये किसी प्राचीन क्लैन के अवशेष हैं, जिन्हें देवताओं ने यहाँ रहने की सजा दी हुई है और वो अपनी माफी के बदले हेवन के लिए काम कर रहे हैं। वो गैंग समझ जाता है कि ये सब शिंगट्यान के सर के रक्षक हैं, लेकिन उन्हें इतना डरपोक देखकर उसे बहुत हैरानी होती है। तब सिवांग बताता है कि वो इस क्लैन के बारे में सुन चुका है और एक टाइम पर इनके योद्धा भी बहुत शक्तिशाली थे और यहाँ तक कि लड़ाई में इन्होंने डार्कवंश का साथ भी दिया था। फिर इससे पहले कि वो उन्हें कुछ और बता पाए, वहाँ अचानक एक डायनामाइट आकर गिरता है और वो देखते हैं कि नीजा उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। वो गैंग उससे इस तरह यहाँ आने का कारण पूछता है और नीजा बताता है कि वो तो ये सब उनकी मदद के लिए लाया है। वो गैंग उसे तुरंत यहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन कीवू कहती है कि इस तरह अकेले उसका जाना खतरनाक हो सकता है और हमें उसे अपने साथ ही रख लेना चाहिए। तभी एक आवाज सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और पता चलता है कि ये शेडो क्लैन का लीडर वॉन्शिंग है, जो उनके इस तरह अपने इलाके में आने से बहुत नाराज है। वो उन्हें बिना देर किए यहाँ से वापस जाने को कहता है, लेकिन वो गैंग उसे समझाता है कि हम यहाँ तुमसे एक मदद मांगने आए हैं। वो वॉन्शिंग को नथिंगनेस के बारे में बताता है, जो धीरे धीरे धरती को खत्म कर रही है, लेकिन वॉन्शिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो गैंग चीयू से निकला हुआ वो फ्रेगमेंट उसे दिखाता है और बताता है कि ऐसा ही फ्रेगमेंट शिंगट्यान की बॉडी में भी है और उसे पाने के लिए वो उसका सर ढूंढ रहे हैं। वॉन्शिंग को उनकी ये बातें बकवास लगती हैं और वो उन्हें वॉर्न करता है कि चीयू बस तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, और ये सुनकर सिवांग उसे अपनी जुबान पर लगाम लगाने को कहता है। कीवू उसे बताती है कि चीयू हमारा पूर्वज है और तुम्हें उसकी बहादुरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस पर वॉन्शिंग जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर वो इतना ही बहादुर होता तो हेवन के खिलाफ लड़ाई में उसे भागना नहीं पड़ता। आखिर में वो उन्हें बताता है कि हमारा क्लैन सिर्फ देवताओं के सामने झुक सकता है और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि हम असल में शिंगट्यान के क्लैन से ही हैं। ये कहकर वो उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और अपने शैडो वेपन से उन पर हमला कर देते हैं। निशाना चूकने पर वो गैंग उनका खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक घाव आ जाता है और वो समझ जाते हैं कि ये लोग उनकी परछाइयों पर अटैक कर रहे हैं। वो किसी तरह उन पर काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन उन शैडोज पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर वॉन्शिंग उन्हें अंधकार में घेरने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैंग के कहने पर हैनली आसपास आई से कुछ मिरर बना देता है और वो गैंग की डिवाइन पावर उस जगह को लाइट से भर देती है। इससे शेडो क्लैन के लोग तड़प उठते हैं और वॉन्शिंग को लगता है कि शायद वो गैंग देवता क्लैन से है। वो उनसे उनके लीडर जिंग के बारे में पूछता है और कीवू बताती है कि जिंग ने हेवन के खिलाफ लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया है और अब वो गैंग ही उनके क्लैन का नया लीडर है। वो गैंग एक बार फिर उनसे उस सर के बारे में पूछता है, लेकिन वॉन्शिंग कहता है कि हम हमारे पूर्वज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अगर जिंग खुद भी यहाँ आता तो भी हम उसे कुछ नहीं बताते।
वो गैंग जानता है कि वो सर ये कहीं पहाड़ियों में दफन है और अपने कैनन से वहाँ अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। तभी एक पहाड़ी को देखकर वोंजिंग घबरा जाता है और ये देखकर सिवांग वो गैंग को उसी पहाड़ी की ओर उछाल देता है। वो गैंग अपने पावर ग्लव से उस पहाड़ी पर अटैक करता है और इससे वहाँ चारों तरफ खलबली मच जाती है। तभी वो उस पहाड़ी से एक बड़े से मॉन्स्टर को निकलते हुए देखते हैं, जो अलग अलग जानवरों का मिला जुला रूप है और पता चलता है कि इसका नाम ग्लूटनी है, जो बरसों से शिंगटियान के सर की रक्षा कर रहा था। ग्लूटनी अपनी स्वेलो पावर से सब कुछ अंदर खींचने लगता है और वोंजिंग बताता है कि अब हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो गैंग का कैनन अटैक भी उनके कोई काम नहीं आता और तभी ग्लूटनी वोंजिंग को खींचने लगता है। वो गैंग अपने मोनोक्रोम शील्ड से उसे बचा लेता है और एक बार फिर उससे उस सर के बारे में पूछता है। तब वोंजिंग पहाड़ी में बने एक गैप की ओर इशारा करता है और वो गैंग देखता है कि वो सर उसी के अंदर रखा हुआ है। वो सब लोग उस गैप के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ग्लूटनी आगे आकर उनका रास्ता रोक लेता है। वो गैंग एक बार फिर अपनी पावर फिस्ट का यूज करता है, लेकिन ग्लूटनी उसे पकड़ लेता है और अपने दांतों से उसे मारने की कोशिश करता है। वो गैंग कहता है कि तुम्हारे दांत मेरे ड्रैगन आर्मर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फिर अपने पावर ब्लो से अटैक करके उससे आजाद हो जाता है। ग्लूटनी गुस्से में अपनी स्वेलो पावर को और तेज कर देता है और उनके लाग बचने के बावजूद नीजा उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है। ये देखकर वो गैंग भी उसके पीछे जाता है और वो उसके पेट में पड़ी एक चट्टान पर आ पहुंचते हैं। नीजा ये सब देखकर घबरा जाता है और तभी चट्टान टूटने से वो नीचे गिरने लगता है। वो गैंग किसी तरह लटक कर उसे बचा लेता है और कहता है कि हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन मन ही मन वो जानता है कि ये काम बहुत मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये सीजन 4 का आखिरी एपिसोड था और जैसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट रिलीज होंगे, हम आगे की स्टोरी लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर दूसरी वीडियोस को एंजॉय करें। थैंक यू।